Hi, a very good evening. Let's begin with the light chapter. So in the yesterday's video, we have done with the concave mirror that how the different type of images formed by the concave mirror. And now we are going to initiate convex mirror. So first of all, let us look at the rules by which we can obtain images from the convex mirror. The rule number one is a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appear to coming from focus after reflection. ये same rule हमने देखा था concave mirror में कि जब भी कोई line principal axis के parallel होती है तब reflect होके वो focus से pass करती है. अब इसमें भी same वही rule है. इसमें वो rule है कि अगर एक ray of light है, this is a convex mirror. पोल और इसका फोकस कहाँ पे होता है? बिहाइंड द मिरर. ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. ये एक रे ऑफ लाइट है इंसिडेंटली. ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी, रिफ्लेक्ट होके यहां से चलेगी. अब अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा अपीयर होता है कि जो लाइन है ये फोकस में से निकली है. ठीक है, तो दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, और जो ये हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है विच इंडिकेट कि ये लाइन कहाँ से पास होती है, फ्रॉम द फोकस, इनकी इट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस व्हेन द रिफ्लेक्शन वुड टेक प्लेस. सेकेंड रूल है अ रे ऑफ लाइट going towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path. अगर कोई भी ray of light अगर वो curvature मतलब कि वो कह रहे हैं कि अगर center की तरफ जा रही है तो reflect होके उसी path से वो वापस pass होगी. pole अगर एक ray of light ऐसे आई reflect होके वापस चलेगी तो अगर हम इसको देखेंगे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमेशा कर्वेचर में से पास होगी. अगर वो सेम पाथ को फॉलो करती है जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट होके जाएगी, इसका मतलब वो जो लाइन है वो कर्वेचर से पास होके जाएगी. दैट इज जस्ट एन इमेजिनरी पॉइंट. कॉन्केव में तो एक्चुअल में दिखता है बट कॉन्वेक्स में हम सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और वो एक्सटेंड होके जाएगी कर्वेचर के ऊपर. ठीक है, अगर यहाँ से अगर आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस उसी पाथ से बैक होगी. थर्ड रूल है अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. कि अगर एक ये रे ऑफ लाइट है ठीक है, अगर वो फोकस की तरफ जा रही है, देखो ये जो रे ऑफ लाइट है ये फोकस की तरफ जा रही है तो वो किसके पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद? प्रिंसिपल एक्सिस के. ये रे ऑफ लाइट आई थी तो ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के. ठीक है, फोर्थ रूल है अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस. यानी कि ये हमारी कॉन्वेक्स मिरर है, अगर एफ रे ऑफ लाइट पोल पे जाके स्ट्राइक करती है तो सेम एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी. ये सेम रूल कॉन्केव का भी ऐसा था, इनके एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ठीक है, हियर इज फोकस और यहाँ पे से कर्वेचर ले लेते हैं हम. सो ये आपके रूल्स थे हाउ टू ऑब्टेन इमेजेस. अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स मिरर. अब हमने कॉन्केव मिरर में 6 केसेस पढ़े थे कि एक में हमारा जो ऑब्जेक्ट था पोलर फोकस पे था, एक में फोकस पे था, एक में फोकस कर्वेचर के बीच में था, एक में कर्वेचर पे था, एक में बियॉन्ड द कर्वेचर और एक में इन्फिनिटी पे. बट इसमें से यहाँ पर 2 केसेस होते हैं. फर्स्ट केस आएगा कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में होगा, पोल फोकस कर्वेचर, ये इन्फिनिटी पॉइंट है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसे जाएगी? एक तो हमारी ऐसे जाएगी और एक यहाँ से रिफ्लेक्ट हो और कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी
और ये कहाँ से गई, ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर है, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड इट अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द फोकस। ठीक है, एक तो कर्वेचर से पास होके चलेगी, यानी कि कर्वेचर से एज इट इज पास नहीं होएगी, इट प्रिटेंड कि वो कर्वेचर से पास होती है बट इन एक्चुअल इट डजेंट गो टुवर्ड्स द कर्वेचर। तो ये गई ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैलर थी और डाइवर्ट होगी फिर। ठीक है, तो जो इस टाइप की जो इमेजेस होती हैं और इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पे बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज बनेगी। अब इमेज का साइज देखो, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था, इमेज का साइज आपका इस केस में छोटा है। और पोजिशन कहाँ है, पोजिशन ऑफ द इमेजेस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोजिशन होगी बिटवीन पोल एंड फोकस। और साइज क्या है, डायमिनिश। ठीक है, और नेचर क्या है इसका, बिहाइंड द मिरर है, देन ऑब्वियसली इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सेकेंड हम देख लेते हैं, इस केस में जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो इन्फिनिटी पे, हमें नहीं पता रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है। लेट अस से एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, लेट अस से एक रे ऑफ लाइट हमारी यहाँ से आई, वी डोंट नो फ्रॉम वेयर द रे ऑफ लाइट इज कमिंग, सो वी टेक इट एज अ इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कैसे होगी, लेकिन अगर हम इसको एक पॉइंट पे लाके मीट करेंगे तो इट अपीयर टू मीटिंग एट अ फोकस पॉइंट। ठीक है, यानी कि इस केस में इमेज कहाँ बनेगी, हमारी फोकस पे, और दोनों मीट हो रहे हैं तो बहुत ही छोटी इमेज बनेगी, इट वुड बी वेरी वेरी डायमिनिश्ड इमेज। सो इन दिस केस इमेज जो पोजिशन है इमेज की वो रहेगी एट फोकस, साइज रहेगा हाईली डायमिनिश्ड, और इस केस में जो नेचर रहेगा बिहाइंड द मिरर, तो क्या नेचर होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स में से दो ही एक ही नेचर चलेगा, वर्चुअल और इरेक्ट का, और जो कॉन्वेक्स की इमेज होती है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगी, दैट्स व्हाई इट्स नेचर वुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब जो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे होता है, रियर व्यू ऑफ ड्राइवर्स मिरर। ठीक है, हमारे व्हीकल्स में रियर व्यू जो होता है वो कन्वेक्स का होता है, क्योंकि ये हमें ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू देगा। ठीक है, तभी हम इसको ड्राइवर मिरर भी बोलते हैं, बिकॉज इट गिव अस अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। जो स्ट्रीट लाइट्स में जो मिरर लगा होता है वो भी कन्वेक्स होता है, क्योंकि वो जब स्ट्रीट लाइट जब ऑन होती है तब जो उसकी जो लाइट होती है वो पूरे एरिया को कवर करती है, और वो कब कवर कर पाएगी, जब उसके अंदर डाइवर्जिंग मिरर यानी कन्वेक्स मिरर लगा होगा। ठीक है, शॉपिंग स्टोर्स में, मॉल्स में जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो भी कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, ताकि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आए और जो इमेजेस बनती हैं उसमें भी पूरा ही कवर होता है, पूरा पर्टिकुलर एरिया कवर होता है। एक ऐसा ही कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है आगरा फोर्ट पे। ठीक है, आगरा फोर्ट की जो वॉल है उस पर लगा हुआ है, ताकि उस फोर्ट से जो ताजमहल है वो डायरेक्टली पूरा विजिबल होए, उसकी जो ताजमहल की जो इमेज होती है वो पूरी उस मिरर के ऊपर आ जाती है। सो वी हैव डन विद द कॉन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, हमने साइन कन्वेंशन सबकी, सॉरी हमने इमेज फॉर्मेशन कर ली है। नाउ द वेरी न्यू टॉपिक विच इज कमिंग, साइन कन्वेंशंस। अब साइन, अभी हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले हमको साइन कन्वेंशंस पता होना चाहिए कि कब हमारी इमेज नेगेटिव होगी, कब हमारी इमेज पॉजिटिव होगी। नाउ अब देखो, ये हमारा एक मिरर है, वी नो दैट ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। अगर हम क्वाड करते हैं, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री करते हैं, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी आपका नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। वही हम सेम यहाँ पे करेंगे, अगर कुछ भी राइट हैंड साइड बनेगा इसका मतलब वो पॉजिटिव रहेगा, कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड बनेगा वो नेगेटिव रहेगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा होता है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली कि इन फ्रंट ऑफ मिरर होएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा इधर किधर होएगा, तो जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी डिस्टेंसेज होते हैं हम मेजर करेंगे फ्रॉम द पोल। ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वो अपर वाई एक्सिस में जा रहा है, तो वो पॉजिटिव रहेगा।
ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर ऑन द पोल ऑफ द मिरर. डिस्टेंसेज मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, वाइल दोज मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर नेगेटिव. यानी कि अगर जो डायरेक्शन जैसे कि इधर है तो पॉजिटिव रहेंगे, अगर इधर जाएगी तो नेगेटिव रहेंगे. सेम है जैसे कि ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई. अगर हमारी इमेज नीचे को फॉर्म हो रही है, डाउन है, इन्वर्टेड है, तो नेगेटिव इमेज होगी. अगर हमारी इमेज ऊपर हो रही है यानी कि पॉजिटिव इमेज होगी. हमारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पड़ा हुआ तो नेगेटिव होएगा, अगर हमारी इमेज यहाँ पड़ी है तो पॉजिटिव होएगी. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा. इमेज डिस्टेंस, अगर हमारी इमेज इधर फॉर्म हो रही है तब तो पॉजिटिव रहेगी. वो सिर्फ कब होएगा, जब इमेज हमारी होगी वर्चुअल इरेक्ट यानी कि कॉन्वेक्स के केस में. तो अगर कॉन्वेक्स के केस में हमारी इमेज हमेशा पॉजिटिव रहती है, और कॉन्केव के केस में इमेज हमेशा कौन सी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड. इसका मतलब वो मिरर के फ्रंट पे बनती है, तो वो इमेज कौन सी जाएगी, नेगेटिव. सिर्फ एक ही केस होगा कॉन्केव का, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो पोल और फोकस के बीच में होगा, सिर्फ उसी टाइम पे जो इमेज होगी वो पॉजिटिव रहेगी. अदरवाइज जो बाकी के 5 केसेस हैं उसमें जो इमेज होती है वो नेगेटिव रहती है, बिकॉज उस केस में जो इमेज होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है. फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे जो सा मर्जी केस होए, क्योंकि जो कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो मिरर के पीछे होगा, और जो कॉन्केव की फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव रहती है. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट हमेशा अपर वाई में जाएगी तो वो पॉजिटिव रहेगी. अब जो इमेज की हाइट है, इमेज ऑफ हाइट अगर तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तब तो नेगेटिव है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है. डाउनवर्ड में कब होएगी, जब वो इमेज हमारी होएगी रियल एंड इन्वर्टेड. अपवर्ड में कब होएगी, जब इमेज हमारी होएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो दीज आर सम ऑफ द साइन कन्वेंशंस, एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से, देन इट वुड बी मोर क्लियर टू यू. नाउ दो ही फॉर्मूलाज है इसके अंदर, एक तो है मिरर फॉर्मूला, एक है मैग्निफिकेशन. मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/f = 1/v + 1/u, where f is the focal length, v is the image distance and u is the object distance. ये applicable रहेगा concave में भी और convex में भी. Magnification होती है ratio of the size of the image to the size of the object, क्योंकि दोनों की ratio. अब height of the image upon height of the object, ये क्या होती है, magnification. और इसको हम लेके चलते सकते हैं -v/u. अब जो हमारी जो मैग्निफिकेशन होती है वो होता क्या है, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं equal to 1, less than 1 और more than 1. अगर तो वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है इसका मतलब जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है, वो बड़ी इमेज बनेगी इन द केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर. तो कॉन्केव मिरर में तीनों इमेजेस बनती हैं, लेस देन 1 भी बनती है, मोर देन 1 भी बनती है और इक्वल टू 1 भी बनती है. इक्वल टू 1 कब होएगी, जब साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ हाइट होती है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जब इक्वल होता है. और कॉन्वेक्स में जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है, इसका मतलब उसमें जो लेस देन 1 मैग्निफिकेशन होती है. और जो हमारे प्लेन मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो इसका मतलब उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगी, हमेशा 1. नाउ लेट्स पुट लुक एट द न्यूमेरिकल्स. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज An object 2 cm high is placed at a distance of 16 cm in front of a concave mirror. So, यहाँ पे हमारे पास अब जो भी हम जैसे numericals पढ़ेंगे, जो जो हमारे पास values आती रहेंगी उसको हम note down कर लेंगे. अब first case में हमारे पास कह रहे हैं कि an object 2 cm high, यानी कि जो object की जो height है वो क्या है, 2 cm. इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, यानी कि मिरर के फ्रंट पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u है -16. हमेशा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे वो माइनस में ही जाएगा. विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, रियल इमेज है यानी कि इन्वर्टेड इमेज होगी और वो हाई है 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या हो जाएगी हमारी, माइनस रहेगी, क्योंकि वो जो इमेज है वो ऐसे फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पड़ा हुआ है और जो इमेज है वो
ऐसे फॉर्म हो रही है, तो वो माइनस में जाएगी, माइनस थ्री, क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे जा रही है। तो इमेज है हमारी माइनस थ्री। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। हमको वी निकालना है और हमने इस केस में एफ निकालना है। तो पहले तो हम, मेरे पास एच ओ भी है, एच आई भी है, तो हम मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन क्या कहती है, एच आई अपॉन एच ओ, यानी कि एच आई कितना था माइनस थ्री और एच ओ, तो ये आ गई हमारी माइनस थ्री बाई टू मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन कहती है मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, यानी कि हम इस केस में माइनस वी अपॉन यू को माइनस थ्री बाई टू के इक्वल कर लेंगे। ठीक है, माइनस माइनस कट, और हमारे पास यू कितना था, यू हमारे पास यहाँ पे गिवन था माइनस सिक्सटीन। ठीक है, यू है हमारे पास माइनस सिक्सटीन, तो वी इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन अपॉन टू, और यहाँ पे थ्री था हमारे पास इंटू थ्री, तो कितना आ जाएगा, टू से एट का सिक्सटीन का माइनस एट इंटू थ्री, यानी कि माइनस 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वी कितना आ गया, माइनस 24 सेंटीमीटर। अब हमको फोकल लेंथ निकालनी है, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू। अब वी भी माइनस में है, यू भी माइनस में, तो कितना आ जाएगा, माइनस वन अपॉन 24 माइनस वन अपॉन 16। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे देन हमारे पास एफ आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस 9.6 सेंटीमीटर। तय करके देखना, सॉल्व करके देखना है इसको। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। इस वीडियो को क्लियर करो एक बार, अगर कोई डाउट होगा तो मैं इसे क्लियर कर लेना, फिर हम आगे वीडियो में न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।